सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट जैसी है जैसी वो है वैसी ही है। मसाला फैक्ट्री है। एक्चुअली देखा जाए तो मैं आज की शाम को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज हम ऑलमोस्ट 2 साल बाद सोशलाइज कर रहे हैं, इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस मेरी थोड़ी हाई है। आई रियली होप कि आज की रात एंटरटेनिंग हो, मज़ेदार हो एंड सितारों से भरी हुई हो। ओके, आपके लुक के मैं अंदाज़ की अगर मैं बात करूँ तो क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके लिए आपके? यू नो, देखा जाए तो ये पहला ऐसा इवेंट रहा है काफ़ी टाइम से, यू नो, जब से कोरोना अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़िंदगी में आ गया, उसके बाद से हमें शाइनी कपड़े पहनने का मौका नहीं मिल रहा। सो आई वॉज सो एक्साइटेड कि आज मुझे सच धज के चमकीले कपड़े पहन के बाहर जाने मिल रहा है। सो या आई लव माई बॉडीकॉन ड्रेस। एक टाइम था मैं बिल्कुल पहन नहीं पाती थी बॉडीकॉन ड्रेसेज, यू नो, मैं बहुत शाय रहती थी। सो आई एम एक्स्ट्रा हैप्पी टुडे बिकॉज आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस बॉडीकॉन ड्रेस के अंदर। मैं बिग बॉस बिल्कुल देख ले रही हूँ और सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट सिंस यू नो आई हैव नोन शमिता, मेरा एक यू नो देयर इज अ लाइकिंग टुवर्ड्स शमिता शेट्टी। क्या लगता है जिस तरीके से आपने बताया शमिता को, तो उनके अलावा और कोई सही ज्यादा नजर आ रहा है? मैं देख नहीं रही हूँ एक्चुअली शो, बट जितना मुझे यू नो सोशल मीडिया से सुनने में आता है, आई थिंक शी इज प्लेइंग वेल। मतलब वो अपने जैसी है, जैसी वो है वैसी ही है, तो आई थिंक दैट्स गुड। हाँ सुना मैंने, वो तो मसाला फैक्ट्री है राखी सावंत, अगर वो गई हैं तो ऑफ कोर्स बहुत सारा मसाला होने वाला है।